नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव हो या उत्तर प्रदेश में होने वाला सपा का अधिवेशन, हर दल के नेता की जबान पर अगर नाम है तो मोदी का। दरअसल भारतीय राजनीति में यह वक्त अगर मोदी वर्सेज ऑल का कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। स्थिति यह हो चली है कि भाई भाई जो एक दूसरे से कोसों दूर थे, उन्हें अपना भातृप्रेम याद आने लगा है, और दो राजनीतिक दुश्मन जो एक दूसरे के विरोध में राजनीति कर रहे थे, एक साथ हो चले हैं। वैसे देखा जाए इस हालत के लिए कुछ हद तक बीजेपी या यूं कहे मोदी की एकला चलो की नीति भी है। लेकिन सवाल यह है कि जैसे जैसे बीजेपी का कुनबा कम हो रहा है और विरोधी एक साथ मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसके बाद कहीं बीजेपी एक पाले में और बाकी दल दूसरे पाले में तो नहीं आ जाएंगे। हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान अपने चरम पर है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन से परेशान कांग्रेस सहित सभी क्षेत्रीय दलों के निशाने पर इस दौरान नरेंद्र मोदी हैं। इससे मोदी ब्रांड की लोकप्रियता कही जाए या ये समझा जाए कि विरोधियों के पास बीजेपी को घेरने के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। हरियाणा में 10 साल और महाराष्ट्र में 15 साल की सरकार चलाने के बाद क्या ऐसा कुछ भी कांग्रेस ने नहीं किया जिसके दम पर चुनाव जीत सके? एनसीपी तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ ही थी, लेकिन दूसरे दल जो सत्ता में नहीं थे उनके निशाने पर राज्य सरकारें नहीं मोदी हैं। तो क्या आम लोगों की समस्याएं जिनका समाधान नहीं किया गया वो पीछे छूट रही है? बहुत सही है, चार चार रैली, 20 रैली महाराष्ट्र में वो कर रहे हैं। क्या उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है प्रधानमंत्री का पद छोड़कर, या सारी कुर्सियां एक साथ संभालनी है? भाई उन्हें चाहिए कि वो देश के दूसरी प्राथमिकताएं हैं उस पर विचार करें। ये उद्धव राज ठाकरे का कहना, मैं उससे सहमत हूं बिल्कुल, कि आपको इतना समय यहां देना कि देश का सारा काम ठप पड़ा है और अगले 8 दिन तक के आप महाराष्ट्र में डटे रहेंगे, हरियाणा में डटे रहेंगे, ये उचित नहीं लगता। फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्राथमिकता है। जो पहले से अपने फायदे, अपने परिणामों, अपने धन की गिनती करना शुरू कर देते हैं, बाद में आए ना आए तो उनको भगवान हमेशा बहुत बड़ी निराशा दिखाता है। श्री मोदी के वक्तव्य में परिलक्षित है और मैं समझता हूँ इसका कठोर और सही सबक जनता उनको और बीजेपी को सिखाएगी। जहाँ एक तरफ कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कराई हार के बाद सदमे में है, वहीं मोदी लहर में अपनी राजनीतिक जमीन गवा चुके तीसरे मोर्चे के अगुवा एक बार फिर मोदी के नाम पर एकजुट होने की कोशिश में हैं। लखनऊ में सपा सम्मेलन के बहाने मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने यूपी में भी बिहार की तरह महागठबंधन बनाने पर जोर दिया, जिससे मोदी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा खोला जा सके। वहीं महाराष्ट्र में वर्चस्व को लेकर शिवसेना छोड़ अपनी पार्टी बनाने वाले राज ठाकरे फिर से शिवसेना के साथ आने के संकेत दे रहे हैं। राज ठाकरे के संकेतों को देखा जाए तो शिवसेना भी चुनाव बाद मनसे से गठजोड़ के सवाल पर सकारात्मक रुख दिखा रही है। राज्य को बचाने के लिए, महाराष्ट्र के आत्मसम्मान के लिए, महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए इस राज्य की सभी नेता और सभी पार्टियों ने एक साथ आने की जरूरत है। अगर राज ठाकरे जी ने यह बात कही है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। बहुमत और एकमत की बात छोड़ दीजिए, ये महाराष्ट्र के कल्याण के बाद अगर इस राज्य में कोई नेता करता है तो उनका स्वागत करना हमारा फर्ज है। सत्ता के शीर्ष पर पहुँचने की इस दौड़ में कौन सा गठबंधन कितने दिनों तक चलेगा ये तो दूर की बात है, लेकिन सवाल मोदी विरोध का है। हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ये मोदी विरोध सभी दलों पर कहीं लोकसभा चुनाव की तरह भारी न पड़ जाए। सुदेश्य न्यूज के लिए प्रशांत द्विवेदी की रिपोर्ट। दरअसल अगर किसी भी पार्टी से यह पूछा जाता है कि केंद्र और विधानसभा के चुनाव की जो परिस्थितियां हैं वो इस तरीके से क्यों बनी है, तो कहा जाता है कि मुद्दे अलग हैं, केंद्र का चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है और विधानसभा चुनाव अलग मुद्दों पर। नरेंद्र मोदी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर रैलियां क्यों कर रहे हैं, उनका फोकस कहीं ना कहीं केंद्र पर होना चाहिए,
ये विरोधियों की तरफ से यहां पर कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर लोकसभा चुनाव को याद किया जाए, जिस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उस वक्त कहीं ना कहीं विरोधियों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो उस वक्त बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे। यूपीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में या उनकी असफलताओं के बारे में विरोधी दल कम बोल रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ज्यादा बोला जा रहा था। क्या उस वक्त तमाम विरोधी दलों को यह लगने लगा था कि इस वक्त प्रबल दावेदार मोदी ही हैं प्रधानमंत्री के, और वैसी ही परिस्थितियां क्या इस बार विधानसभा चुनाव में भी बन रही हैं जो परिस्थितियां फिलहाल दिख रही हैं? और अमूमन देखा जाए तो पूरे इस तस्वीर में, यानी अगर ये पूरी राजनीतिक तस्वीर उभर कर जो सामने आ रही है, इसमें मोदी वर्सेस ऑल की सिचुएशन या मोदी बनाम सभी की जो परिस्थितियां बनी हैं, उसे किस तरीके से परिभाषित किया जाए? 1971 का हालांकि दौर याद आता है, जिस वक्त इंदिरा गांधी के साथ इस तरीके की परिस्थितियां बनी थी। बहरहाल इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रमेश कुमार हैं राजनीतिक विश्लेषक, और दुष्यंत शर्मा जी नेता कांग्रेस मेरे साथ हैं। साथ ही साथ मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा मेरे साथ महाराष्ट्र औरंगाबाद से जुड़ रहे हैं। मैं अपने मेहमानों के पास सबसे पहले जाना चाहूंगा, और सबसे पहले मेरे डॉक्टर रमेश आपके पास आना चाहूंगा। 1971 का मैंने जिक्र यहां पर कर दिया है, इंदिरा गांधी की सिचुएशन जो एक बार इस तरीके की बनी थी, वैसी सिचुएशन एक बार फिर से बन रही है, लोकसभा चुनाव में बन चुकी है। अगर मैं लोकसभा चुनाव का जिक्र यहां पर करूं, हालांकि दुष्यंत जी कहीं ना कहीं इस बात को कहेंगे कि विधानसभा चुनाव और केंद्र के जो चुनाव हैं उनके अंदर परिस्थितियां अलग होती हैं, मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन उसमें से एक चीज मैं कोट करना चाहता हूं। तमाम विरोधी दल सिर्फ मोदी को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे थे, केंद्र की सफलताएं या जो असफलताएं हैं वो कोट नहीं हो रही थी। अब परिस्थितियां ये हैं कि वैसी ही विधानसभा में भी हो रहा है, विधानसभा चुनाव के अंदर। तो क्या लोकसभा चुनाव में विरोधियों को लगने लगा था कि मोदी अब आने वाले हैं, और अब भी वही लग रहा है कि मोदी की जो लहर है, भले उसे इनकार किया जा रहा हो, इंपैक्ट सबसे ज्यादा वही है, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर मोदी ही है? सुमित जी, आपने 1971 का चर्चा किया, 1971 का चर्चा थोड़ा सा एक बहुत उपयुक्त चर्चा है। आपने भी कहा कि 1971 की एक घटना आपको बता दूं, नोट में दिया मैंने उस साइड में, वैसा भी हुआ। 1971 की घटना थी कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था और दो टुकड़े कर दिए थे, आपको याद हो। और अभी वो पाकिस्तान, जब आधा पाकिस्तान रह गया, मैंने एक टुकड़ा ही रह गया, एक टुकड़ा मई 26 से लेके आज तक, जब से नवाज शरीफ मोदी जी की मुलाकात हुई तब से आज तक लगातार बॉर्डर पे परेशानी कर रहा है, और जम्मू में ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी जो हालत मोदी जी के आने के बाद से हुआ है। लेकिन आप उसको, उस मुद्दे को भी छोड़ दें, आज मोदी जी, मोदी जी को मैं कह रहा हूँ, मोदी जी जो इंदिरा, लेकिन इंदिरा गांधी वर्सेस आल की सिचुएशन बनी थी, मैं उसकी सिचुएशन पर बात करना चाहता हूं। था कि अभी जो एंटी इंदिरा की बात थी, जिसमें जनता पार्टी की बात में बन गई थी, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ लोग खड़े नहीं हुए थे, इंदिरा गांधी के लिए इमरजेंसी के खिलाफ लोग खड़े हुए थे। लोकतंत्र की बहाली के लिए जेपी ने सबको इकट्ठा किया, तो सबको मिलाकर जनता पार्टी बनाई थी। वो परिस्थिति यहाँ पे नहीं है, एक तो थोड़ा सा तुलना हमें अलग परिस्थिति में करते हैं। अब रह गई विधानसभा के चुनाव की बात, तो मैं एक बड़ा इसको देखने का नजरिया मेरा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। अभी मोदी जी के जो उपचुनाव हुए जहां था स्टेट्स में, और भाजपा को करारी हार मिली गुजरात में, उनके उनके स्टेट में भी मिली, तो लगा मोदी जी को कि दल जो है मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता, तो दल से अपना कद बड़ा दिखाने के लिए या दल से बड़ा अपने कद को साबित करने के लिए, देखो मेरे बिना तुम हार जाते हो, तो अब मैं फिर से महाराष्ट्र और हरियाणा में जाकर देखता हूं कि अभी भी पार्टी मुझसे है, मैं पार्टी से नहीं हूं। अगर मैं इसे इस तरीके से डिफाइन करूं कि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, बीजेपी के खिलाफ कहा जाए या मोदी के खिलाफ कहा जाए, जो एक साथ लोग आना शुरू हुए हैं, चाहे बिहार की बात कर ली जाए, उपचुनाव हो जिस तरीके से हुआ, उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हालांकि अलग हैं, लेकिन अगर मायावती चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो उसका इंपैक्ट मुलायम सिंह के ऊपर जरूर पड़ा है। यहां पर सवाल यह है कि ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, उधर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो हैं वो भी कहीं ना कहीं समीप आते हुए दिख रहे हैं, ये तमाम सिचुएशंस क्या बता रहे हैं? ये बात आपके रूप से है कि जैसे इंदिरा जी के एक बड़ा कद के खिलाफ सारे जो गैर इंदिरा ताकतें थी, गैर कौन ताकतें इकट्ठा हो गई थी, आज स्थिति उस तरह की तो नहीं बन रही, लेकिन हाँ उस तरह का हालात अगर मोदी जी बनाते हैं, अभी मोदी जी ने क्या किया है, जैसे इंदिरा जी ने अपने आप को दल से ऊपर कर लिया था, तो मोदी जी अपने आप दल से ऊपर कर लिया है, जैसे दल नहीं है, संगठन नहीं, कोई मोदी जी का देख कितने स्पीच हो रहे हैं वहां, केवल मोदी जी बोले, बाकी नेताओं ने पता नहीं बाकी नेता इनके कहां गए, इतनी बड़ी पार्टी है,
इतना बड़ा संगठन है, इतनी इतना बड़ा संघ है, इतने बड़े लोग हैं, इतने लोग हैं, पता नहीं सब कहां गए, सबको सबको उन्होंने बिठा दिया है, क्योंकि इंदिरा जी की राजनीति के तर्ज पे राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, अब रखें विधानसभा में जाने की बात, एक प्रधानमंत्री को राज्य के असेंबली लोकसभा में इतना ज्यादा समय देना, लोकल में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होना और कंट्राडिक्टी, जैसे अभी मोदी जी ने जाके महाराष्ट्र में इनकी आनंदीबेन बोल रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के जो मुंबई में जो व्यापारी हैं वो गुजरात चलें, विदर्भा की मांग है वहां पे, ये स्मॉल नहीं एक चीज पर हिमायती थे। एक चीज अब जाके यहां पर आपने किया डॉक्टर रमेश, आपने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ये परिस्थितियां खुद सामने आने लगी हैं कि बीजेपी की तरफ से अगर मोदी कैंपेन नहीं कर रहे हैं तो नुकसान हो रहा है, तो जाहिर है प्रधानमंत्री जाहिर है देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के नेता भी हैं, तो कोई नेता नहीं चाहेगा उसकी पार्टी में नुकसान हो। परिस्थिति बता जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं दल के अंदर, दल को सबको बिठा करके, हो सकता है दल के अंदर भी मोदी विरोधी गुट लामबंद हो जाए, दल के अंदर भी मोदी विरोधी गुट संलामबंद होने की संभावना है, मोदी जी को इसका भय भी है। अगर और अगर हरियाणा में और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में तो इनकी ये बिल्कुल सत्ता में आ रहे थे, ठीक, इनके दुर्दशा का भाव और अहंकार ने इनको इनको यहाँ पे गठबंधन करने नहीं दिया, और अब महाराष्ट्र की हालत ये हो रही है कि बहुमत किसी को नहीं आएगी, और भाजपा के अभी तक कल तक मोदी बोल रहे थे कि बहुमत ये हंग असेंबली नहीं होगी, आज से बोलेंगे मुझे पूरी बहुमत दो, डर इनके अंदर भी एक पूरी बहुमत नहीं आएगी, तो डर कहीं ना कहीं मोदी जी के भी जवान पे आ रहा है कि हाँ पूर्ण बहुमत दो दिक्कत हो जाएगी। चलिए ठीक है दुष्यंत जी, ये जो परिस्थितियां बनी हैं, इन परिस्थितियों के बीच में जाहिर है लोकसभा का जब चुनाव था उस वक्त भी कोई यूपीए के खिलाफ नहीं कोई बात कर रहा था, खिलाफ इसलिए नहीं कहूंगा मैं क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी के बारे में ज्यादा बोला जा रहा था, सफलताओं या असफलताओं के बारे में, यूपीए सरकार के बारे में उतनी मुखरता से लोग सामने नहीं आए, मोदी शायद ज्यादा सेंटर में थे। अभी भी दोनों राज्यों में अगर बात कर ली जाए, आपकी सरकार रही है, सवाल यह है अभी भी सेंटर में मोदी क्यों है? देखिए ये मैं नहीं समझता, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मोदी अकेले सेंटर में हैं। एक्चुअली एक वजह है जो जिस वजह से आप लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि मोदी जी ने कहीं ना कहीं अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की है कि उनके लिए पार्टी सेकेंडरी है और वो प्रथम है, प्राथमिक वो है, यानी पार्टी से वो ऊपर है, और पार्लियामेंट इलेक्शंस में उन्होंने वो बात थोड़ी निभाई भी थी, क्योंकि पार्टी वहां नहीं थी और वहां मोदी जी की बात आई थी, और उनके जो चाहने वाले हैं वो व्यक्तिगत उन्हीं की तारीफ करते हैं, उन्हीं के बारे में कहते हैं, वो पार्टी के बारे में कोई बात कहना ज्यादा पसंद नहीं करते, बल्कि लोग, मैं थोड़ा देखा उनसे व्यक्तिगत भी बात करके, तो हिचके हुए लोग हैं, वो टाइम नहीं है कि जब पार्टी पहले होगी, प्रथम होगी और दूसरे नंबर पर व्यक्ति होगा, लेकिन अब इस टाइम जो पोजिशन है वहां व्यक्ति पहले है और पार्टी सेकेंड है। नहीं, अगर यूपीए से अलग फिर परिस्थितियां कहां हैं, वहां पर भी ऐसी परिस्थितियां का या कांग्रेस का परिस्थितियां कहां हैं? सुमित भाई, यूपीए का इससे कोई ज्यादा कंसर्न नहीं है। देखिए वहां जो वोट पड़ा वो तो गुमराह करने के नाम पे पड़ा, इन्होंने पब्लिक को गुमराह किया और ऐसे स्वप्न दिखाए जो ये कभी पूरे नहीं कर सकते। ये दो ही कारण थे मात्र जिसपे पब्लिक ने सोचा कि भाई इनके पास में कोई अलादीन का चिराग है और ये लोग आएंगे और उस सबको ठीक कर देंगे। जैसे इन्होंने वादा किया कि 100 दिन के भीतर हम महंगाई दूर कर देंगे, तो उन्होंने क्या महंगाई दूर कर दी, ये तो पब्लिक तय कर रही है। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से या मैं चर्चा के माध्यम से आपको एक बात कह रहा हूं, वो मेरी बात आप याद रखें, ये दो स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, इसमें जो चुनाव परिणाम आएंगे वो बड़े अप्रत्याशित आएंगे, और जो मोदी जी उनकी पार्टी के लोग जो सोच रहे हैं कि वही धमाका पहले वाला चलेगा, तो वो चलने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि जहां स्टेट में लीडरशिप ही नहीं है तो क्या आप, मतलब जो वोटर है वो इतना भी प्रबुद्ध नहीं है कि वो ये देख ले कि जीतने के बाद यहाँ बनेगा कौन, मंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, या हमें लीड कौन करेगा, वो दोनों स्टेट्स में प्रॉब्लम है। ठीक, मैं गौरव मिश्रा के पास चलते हैं, मेरे सहयोगी हैं औरंगाबाद में। गौरव, आपसे वहां की परिस्थितियां जानने चाहेंगे, और सोनिया गांधी की रैली भी हुई है औरंगाबाद में, वहां का माहौल क्या है, ये मोदी वर्सेस ऑल की सिचुएशन वहां पर भी दिखती है क्या? देखिए सुमित, अगर फिलहाल रैलियों की बात करें तो लगातार मोदी का पूरा कैबिनेट रैली कर रहा है, और इस बात का जिक्र लगातार शिवसेना के तरफ से उद्धव ठाकरे रैलियों में कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो खुद रैली में आए हैं लेकिन अपने पूरे कैबिनेट को रैली में उतार दिया, और शिवसेना के मुखपत्र में इस बात को साफ तौर पर लिखा गया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए पीएम जो कि नरेंद्र मोदी उन्हें प्रोजेक्ट कर रही है, और इस बार भी मोदी फैक्टर को लेकर के लगातार चल रही है। लेकिन अगर आज के रैली की बात करूं सुमित, औरंगाबाद में आज सोनिया गांधी की रैली थी, जहां पर अगर भीड़ की बात करें तो
भीड़ तो रैली में पहुंच रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये वही भीड़ थी जो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को भी सुनने जाती थी, वही भीड़ है जो राहुल और सोनिया गांधी को भी सुनने जाती थी, लेकिन अब भीड़ के अंदर वो क्रेज नहीं है। जनता अब ये सोच करके भीड़ में जा रही है कि दरअसल वोटिंग वो किसको करेगी। अगर हमारी बात होती है तो शिवसेना और बीजेपी का 25 साल पुराना गठबंधन टूटा, वो चीज निकल के सामने आती है। एनसीपी कांग्रेस की बात करें, उनका भी 15 साल पुराना गठबंधन टूटा है। राजनाथ सिंह की भी आज रैली थी, मैं वहां पे भी मौजूद था। तो कहीं ना कहीं रैली के अंदर भीड़ जा रही है, लेकिन अब वो भीड़ समझदार हो चुकी है, अब वो वोट बैंक में तब्दील तुरंत से नहीं होना चाहती है। लगातार हम आम जनता के बीच में जाकर के जब बात करते तो यही पता चलता है कि अब कहीं ना कहीं सोच समझ के रणनीति से जनता वोटिंग करेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी महाराष्ट्र के रण की, तो जिस तरीके से महाराष्ट्र का चुनावी संग्राम है बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि यहां पर अगर बात करें पार्टियों की, तो जो पार्टियों की प्लानिंग है अलग थलग तरीके से देखने को मिल रही है। अगर बीजेपी नहीं, गौरव करें, गौरव तो एक चीज यहां पर जानना चाहेंगे, ये जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, ये स्ट्रेटेजी किसके ज्यादा चारों तरफ घूम रही है? नरेंद्र मोदी के चारों तरफ घूम रही है या यहां पर जो तमाम जो पार्टियां अलग थलग हुई हैं उन तमाम लोगों को कंसिडर किया जा रहा है? ज्यादा कंसिडरेशन में कौन है, नरेंद्र मोदी या फिर जो बाकी नेता है उनको भी इक्वल वेटेज मिल रहा है? अगर नरेंद्र मोदी की बात किया जाए, टारगेट पर नरेंद्र मोदी को ही रखा जा रहा है, और शिवसेना के तरफ से जहां पर रैलियां की जा रही है, आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे की लगभग 40 रैलियां होनी है चुनाव से ठीक पहले। अब 7 से 8 दिनों का जो समय बचा हुआ है, जहां पर उद्धव ठाकरे रैली कर रहे हैं और उनके जो पुत्र आदित्य ठाकरे वो भी उनके साथ में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी को वो लोग टारगेट कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी की बात किया जाए, तो अभी मोदी के शुरुआती रैली की बात किया जाए, अगर नरेंद्र मोदी की मैं मुंबई की रैली की बात करूं जो कि रेस कोर्स महालक्ष्मी मैदान में हुआ था, वहां पर भी नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें कही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ना तो वहां पे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का नाम लिया था और ना ही शिवसेना के ऊपर निशाना साधा था। लेकिन उसके बाद अगर उनके रैलियों का जिक्र करें, उनके रैलियों में शिवसेना निशाने पर रह रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे की बात करें, कांग्रेस की बात करें, एनसीपी की बात करें, वो भी नरेंद्र मोदी को टारगेट पर लेकर चल रही है। अगर जहां तक बात करें अब रैलियों के रेले की, तो नरेंद्र मोदी भी किसी को छोड़ नहीं रहे। अगर नरेंद्र मोदी की बात करें, लगातार अपने रैली में वो जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र और विदर्भ की बात करूं, विदर्भ के इलाके में किसानों के मौत का मामला लगभग अगर एक साल के रिपोर्ट पर गौर करें, यानी तो जो मोदी वर्सेस ऑल की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कम से कम एक जैसी बनती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। मेरे साथ सुदेश वर्मा वरिष्ठ पत्रकार जो है वो भी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। सुदेश जी, ये जो इक्वेशन बन रही है नई तरीके से, लोकसभा चुनाव में भी बिल्कुल वैसे ही थी, मैं उसी तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, और उस वक्त भी तमाम विरोधी जो थे वो नरेंद्र मोदी पर ही निशाना साध रहे थे, क्या जहन में यह चल रहा था कहीं ना कहीं, या ये चीजें लगने लगी थी कि अगर इस वक्त कोई प्रबल दावेदार है या किसी को रोकना है तो वो उन्हें मोदी को रोकना पड़ेगा? कांग्रेस कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गई थी, वही परिस्थितियां अब नहीं है, क्या इससे इनकार किया जा सकता है? देखिए, आप एक चीज सोचिए कि एक पार्टी जो अपने अलायंस पार्टनर के साथ पूरी बहुमत में आ सकती थी, 200 करीब सीट जीतती जो एनालिसिस हुआ था, वो पार्टी खुद उस अलायंस को तोड़कर अकेले जा रही है, ये जानते हुए कि उसके आधे सीट से भी कम में वो चुनाव लड़ती थी। क्यों? ये तभी हो सकता है जब एक जुनून हो आदमी के पास कि कुछ करना है देश के लिए, और उसके लिए हमें जनता के पास जाके मैंडेट मांगना पड़ेगा। यही नरेंद्र मोदी ने किया था लोकसभा के समय भी, और सब लोग कास्ट के बेसिस पर एनालिसिस दिए, रीजन के बेसिस पर दिए, रिलीजन के बेसिस पर दिए, सारी एनालिसिस धरी की धरी रह गई, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट थिंकर्स फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि हम भारत को एक कास्ट और धर्म से ऊपर देख ही नहीं पाए, लेकिन जनता ने प्रूव कर दिया कि वो मैच्योर्ड है, और बहुत ही मैच्योर्ड है, और हर बार जनता ये प्रूव करती है, फिर भी हम जनता को बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि जनता ने इस बार वोट दिया गवर्नेंस के लिए, जिसको हम मोदीत्व के रूप में जानते हैं, अकाउंटेबिलिटी के लिए, जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया, और जो 65% जो युवा की बात होती है उसके बारे में सोचिए, उसके सपने के बारे में सोचिए, उसके सपने का भारत कब बनेगा? उसने यूपीए के 10 साल देखे, उसके पहले एनडीए के देखे, उसके पहले कांग्रेस के देखे, और उसे नहीं लगता था कि कोई और डिलीवर कर सकता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी एक ऐसे पर्सनालिटी के रूप में उभरे जिन्होंने उनके पूरे इमोशंस को, एक चीज मैं यहां पर सुदेश जी को कहना चाहता हूं, एक जो मैं चीज जोड़ना चाह रहा हूं आपके उसमें, कि जो तमाम सर्वे आए जो आपने यहां पर एनालिस्ट के बारे में कहा है, उन सर्वेज में कहीं ना कहीं ये उस वक्त जरूर कहा गया था कि जो बीजेपी या एनडीए की जो है सरकार आएगी
पूर्ण बहुमत की कुछ सर्वेज ने नहीं दिखाया था और कुछ सर्वे जिसमें सुदर्शन न्यूज का खुद सर्वे था और उस वक्त मैंने खुद इस प्रोग्राम को एंकर किया था जिसमें हमने कहा था कि 282 से प्लस जो है ये सीटें जा सकती हैं। जाहिर है एनालिसिस होता है, इसमें कोई एग्जैक्ट सीटें नहीं बताई जा सकती हैं और अभी भी जो आज हाल ही में एक सर्वे आया है उसमें 150+ बताया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को सीटें मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो वैसे ही बन रही है ना। एक बार फिर से आप जो बोले आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि जब हम जाते हैं एज जर्नलिस्ट तो हम वो रिपोर्ट करते हैं जो हम देख रहे हैं या हम वो रिपोर्ट करना चाहते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। ये दोनों में बहुत फर्क है। नरेंद्र मोदी के कैंपेन को हमने देखा, उस कैंपेन को देखने के बाद कोई भी न्यूट्रल आदमी बोल सकता था कि एक नया जुनून है जो पैदा हुआ है हमारे भारतीयों में। और उसके बाद आज आप महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, बीजेपी का वाकई में हरियाणा में कोई वजूद था नहीं। बीजेपी हमेशा दूसरे कंधे पर रहती थी। हरियाणा में जिस तरह का मैंडेट मिलेगा मुझे लगता है कि आश्चर्यचकित होंगे लोग, क्योंकि वहां भी लोग बोल रहे हैं जाट 22% है, जाट 1 के साथ जाता है। अरे क्या जाट भारतीय नागरिक नहीं है? क्या उसे गवर्नेंस नहीं चाहिए? क्या इन इश्यूज पर हम कभी डिबेट करते हैं? अगर महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना जितने लोग मोदी पर अटैक करेंगे, आप जान के रखिए कि जनता जो है सोशल मीडिया में आप जाके देखिए लोग इससे खुश नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान का इशू हो, चाहे वो किसी अलायंस को तोड़ने का इशू हो, क्योंकि एक जो भारतीय नागरिक है वो देख रहा है कि सच क्या है और गलत क्या है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एडवांटेज बीजेपी ये एडवांटेज क्या बीजेपी को एक बार फिर मिलेगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी ने प्रधानमंत्री पर यह दारोमदार सौंपा है और ये मोदी वर्सेस ऑल वाली जो सिचुएशन एक बार फिर से क्रिएट हुई है, इसमें कौन जीतता है, प्रधानमंत्री या फिर ऑल जो हमने सिचुएशन में कहा है? एक ब्रेक लेना, तुरंत लौटते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विरोधी दलों के निशाने पर हैं, चक्रव्यूह में मोदी हैं इस वक्त, और क्या इससे वो बाहर निकल पाएंगे, और साथ ही साथ जो राजनीतिक परिस्थितियां इस वक्त देश के अंदर बन रही हैं उसके बाद क्या बीजेपी एक पाले में और बाकी जो विरोधी दल हैं वो दूसरे पाले में आ जाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले 25 साल पुराना बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूट गया। महाराष्ट्र में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बीजेपी ने शिवसेना के सामने ज्यादा सीटों की मांग रखी, जिस पर शिवसेना ने आखिर तक अड़ियल रुख बनाए रखा। सीट बंटवारे का झगड़ा दोस्ती पर भारी पड़ गया और दोनों की राहें अलग हो गई। लगातार जिस प्रकार के प्रस्ताव आ रहे हैं उन प्रस्तावों में हमको या हमारे जो बाकी 4 मित्र पक्ष हैं इनको अकोमोडेट करने के लिए जिस प्रकार का विचार होना चाहिए उस प्रकार का विचार होता नजर नहीं आ रहा। घूम फिर कर प्रस्ताव उसी प्रकार के हमारे पास आ रहे हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का HJC के साथ 2 साल पुराना गठबंधन भी टूट गया। एक सभा के दौरान मोदी के भाषण में अपना नाम न लिए जाने से नाराज HJC अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी पर सहयोगियों की उपेक्षा का आरोप लगाया कि रीजनल पार्टी के नेताओं का इस्तेमाल करो, उनके बलबूते पर अपने आप को मजबूत करो और फिर उन्हें खत्म करने का काम करो। उन्होंने ये फैसला किया कि भाई जो आदमी इतने लोगों को धोखा दे सकते हैं, मुझे भी, देवीलाल जी को, बंसीलाल जी को, चौटाला को, भगवतदास शर्मा जी को, तो वो जनता कैसे जनता का धोखा नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी? तो जनता के हित में, जनहित में क्लियर कट हमारी पार्टी ने यह फैसला लिया कि टुडे वी आर डंपिंग बीजेपी, वी आर ब्रेकिंग द लाइन विद बीजेपी। हम एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं जो धोखेबाज पार्टी हो। बीजेपी के साथ सहयोगियों के अलग होने का सिलसिला बिहार में JDU से शुरू हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बनाया, लेकिन मोदी के नाम पर नीतीश कुमार ने JDU को NDA से अलग कर लिया। खुद PM बनने का सपना संजो कर चल रहे नीतीश कुमार को बिहार में मुंह की खानी पड़ी। 2009 के चुनाव में 20 सीटें जीतने वाली JDU मोदी लहर में 2 सीटों पर सिमट गई। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद विपक्ष ही नहीं बीजेपी का साथ छोड़ चुके पुराने साथी भी मोदी विरोध में शामिल हो गए हैं। मोदी विरोध के चलते बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान JDU का जो हश्र हुआ, कहीं उस रास्ते पर हरियाणा में HJC और महाराष्ट्र में शिवसेना तो नहीं जा रहे हैं? सुदर्शन न्यूज के लिए प्रशांत द्विवेदी की रिपोर्ट।
गठबंधन टूट रहे हैं और विरोधी छूट रहे हैं, यह परिस्थिति इस वक्त बीजेपी के अंदर है और एकला चलो की नीति कहीं ना कहीं मोदी या बीजेपी की इस वक्त कही जा सकती है। फायदा होगा या नुकसान यह बाद में पता चलेगा। सौरभ तिवारी मेरे सहयोगी हरियाणा पिहोवा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वहां की परिस्थितियां जानने की कोशिश करते हैं। सौरभ, ये मोदी वर्सेस ऑल की जिस सिचुएशन पर हम कहीं ना कहीं जो डिस्कस कर रहे हैं, ये परिस्थितियां हरियाणा से भी जुदा नहीं है। वहां पर अगर देखा जाए हजगा से गठबंधन टूटा है और इस वक्त हुड्डा से ज्यादा निशाना कहीं ना कहीं मोदी पर साधा जा रहा है। मैं बीजेपी चलिए संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है, वापस चलेंगे सौरभ के पास, कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की कि वहां पर किस तरीके की परिस्थितियां हैं। आखिर महाराष्ट्र और हरियाणा का जो चुनाव हो रहा है उसमें अगर इक्वेशंस की मैच किया जाए, गठबंधन टूटने की बात की जाए या बीजेपी के साथ ही छूटने की बात की जाए, वो लगभग एक जैसी है। और साथ ही साथ सत्ता की जो बात यहां पर की जा रही है वो भी हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की ही रही है और महाराष्ट्र में हालांकि एनसीपी उनके साथ ही। बहरहाल वापस जाएंगे सौरभ के पास, कोशिश करेंगे उन्हें जोड़ने की। लेकिन मैं यहां पर दुष्यंत जी आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो इक्वेशंस क्रिएट हुई हैं, इस इक्वेशंस का क्या कारण रहा है? शुरुआत भले ही जेडीयू से हुई हो, जिस वक्त जेडीयू ने एनडीए का साथ छोड़ा और परिस्थितियां और ज्यादा उभरकर तब सामने आई जब जेडीयू और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ये एक साथ आ गए, उसके बाद ये इक्वेशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं कि शायद अब तमाम पार्टियां मोदी को ही अपना सबसे बड़ा घोर विरोधी मान रही हैं, बाकी जो पार्टियां वो साइडलाइन हो रही हैं। देखो ऐसा नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से अपने तरीके से एनालाइज करते हैं, लेकिन आप एक बात मानिए कि हमेशा परिस्थितियां भी एक जैसी नहीं होती हैं। आप ये देखिए बिहार में जेडीयू से, जो आपके यहाँ आपने चैनल से भी दिखाया, बिहार में जेडीयू से वो सिलसिला शुरू हुआ, हरियाणा में अभी बोल रहे थे हजका के अध्यक्ष बोल रहे थे कुलदीप बिश्नोई साहब, उनसे भी ब्रेक हुआ, और महाराष्ट्र में 25 साल पुराना शिवसेना से भी ब्रेक हुआ। तो आप क्या आप ये मानते हैं कि ये सारे ही गलत हैं? और कहीं ना कहीं जो पार्टी है, जो जो मोदी जी हैं, वो शायद वो इस गफलत में है कि अब वो पार्टी से तो ऊपर है ही है, दूसरा उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। और जो हजका के अध्यक्ष बोल रहे थे वो काफी हद तक ठीक भी बोल रहे थे कि छोटे दलों को यूज करो और उनको निपटाओ, तो उस लाइन पे पार्टी चल रही थी। एक तो ये बात, दूसरा एक बात आपने और कही यहाँ पे कि भाई खाली डिलीवर यही लोग कर सकते हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझे बताइए पार्लियामेंट में जब से ये सरकार आई है, 26 मई से शायद शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, आज 4 महीने कंप्लीट हो गए, तो उसमें आप बताइए ना कि इन्होंने डिलीवर किया क्या है। तीन बातें विशेष तौर से ये कह के आए थे, एक तो महंगाई को कम करने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, तो महंगाई तो कम हुई नहीं। दूसरा चाइना को बहुत इन्होंने यूज किया था चाइना के लिए, तो इंट्रूडिंग तो रुकी नहीं, वो तो 25 किलोमीटर अंदर है। और इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया था विशेष तौर से, डेली सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और एक अघोषित वार वहां शुरू हुई है। तो आप बताइए ना, दूसरा अमेरिका में जाके जो इन्होंने कहा कि भाई आप अमेरिकन सब तैयार हैं सफाई के लिए हमारे यहाँ आने के लिए, तो बताइए वहां से आह्वान करेंगे? मैं आपसे बात कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर कोई भी बात कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर आप एक मिनट मुझे कहने दीजिए जवाब, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, सिर्फ मेरा एक प्रश्न है। तो मैं डायस पे दूसरे प्रबुद्ध लोग भी बैठे हुए हैं और आप भी हैं, और आप कॉलर्स जोड़ लीजिए, आप उनसे पूछे कि उन्होंने डिलीवर किया क्या है, जरा बताएं ना एक चीज को। और जो चीज कभी लीडर्स को ये वो कर रहे हैं, कभी सीनियर, कभी महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं, कभी नेहरू जी की बात कर रहे हैं, कभी इंदिरा जी की बात कर रहे हैं, ठीक है बात करें, उनको अप्रिशिएट करें माने, लेकिन आप इस कदर भी पहले अपनी स्थिति तो क्लियर करें कि वो उसके बारे में जो गोडसे साहब के बारे में जरा स्थिति अपनी क्लियर कर दे पार्टी की, माफी तो मांगे देश से, या ऐसे ही थोड़ी कि वो कभी एक सरदार पटेल साहब की बात कर दो। ऐसा है अगर केंद्र के बारे में पूछा जाता है, जनता है वो गुमराह हुई है, तो मुद्दे अलग अलग बताए जाते हैं। नहीं, मेरा ये सवाल है, मुद्दे अलग वही मुद्दे हैं। नहीं, अरे अगर ये नॉर्मल पूछा जाता है तो और कोई ये कहता है कि विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग हैं, केंद्र के मुद्दे अलग हैं। अब मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो केंद्र की भी जो चर्चा करने वाले थे वो भी माननीय श्री मोदी थे, बातचीत किस रही सरकार में, जो लीडरशिप है, लैक ऑफ लीडरशिप, नहीं तीनों ही सिचुएशन नजर आ रहा है, तीनों ही सिचुएशन में सरकार किसकी है दुष्यंत जी? तीनों ही सिचुएशंस में सरकार किसकी थी? जाहिर है कांग्रेस ने सत्ता संभाली हुई थी, तो कांग्रेस के बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है, आपकी सफलता या असफलताओं के बारे में बात नहीं हो रही है, ज्यादातर मोदी के बारे में बात हो रही है। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब स्टेट्स में जो जा रहे हैं, जरा स्टेट की लीडरशिप को तो दिखाएं,
जरा उसको सामने तो करें पब्लिक के, भाई ये हमारा लीडर्स हैं। मैं जो अगर मोदी जी को ही लोग वोट कर रहे हैं स्टेट में भी, तो वो ये बता दें कि मेरे बाद में ये लोग लीडर्स होंगे यहाँ के, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मंत्री बनेंगे। मैं आपसे यही बात कह, दो चीजें बता दें वो, एक तो अपने लीडर्स घोषित कर दें कि भाई ये हमारे लीडर्स, हम ये नहीं कह रहे सीएम बताएं, वो बताएं कि ये लीडर्स हैं हमारे, 10 लीडर, 5 विधायक खड़े किए हैं ना अपने, तो लीडर्स वही तो होंगे जिनका नाम, अरे उन्होंने जो अपने विधायक खड़े किए हैं, हरियाणा की बात कर लीजिए या महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, वही आगे आने वाले लीडर्स हैं। तो आपसे मैं क्या तो बड़े के बारे में बात नहीं हो सकती, मैं तो आपसे आज तक तो कभी किसी पार्टी ने ऐसा किया नहीं, आज तक कभी किसी पार्टी ने इस तरह से नहीं किया। हमेशा पार्टी ने अपने लीडर्स तो दिए, आप हमारे लीडर्स देखिए, हमारे सारे लीडर्स नजर आ रहे हैं, आप देखिए दूसरी पार्टी लीडर्स नहीं, लीडर्स का मतलब क्या है आप, मतलब मैं आपसे आप क्या कहना चाहते हैं, जो स्टेट को लीड करेंगे उन लीडर्स को, जो सरकार बनाएंगे, जो सरकार को चलाएंगे, उनमें से एक आध लीडर का तो बताएं कि ये हमारा ये हमारे लीडर्स है, एक है, दो है, चार है, छह है, लैक ऑफ लीडरशिप साफ नजर आ रहा है, और इसलिए परिस्थितियां बदली हुई हैं। और अगर ये चर्चा इस तरह की हो रही है तो ये नहीं, अगर राजीव प्रताप रूड़ी को वहां का चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, क्या उन्हें लीडरशिप का वो नहीं माना जाएगा चेहरा, या देवेंद्र फडणवीस जो वहां पर विधायक भी हैं और इस बार खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या उन्हें चेहरा नहीं माना जाएगा, एकनाथ खड़से या गोपीनाथ मुंडे की लड़की जो बेटी है पंकजा मुंडे, वो क्या ये तमाम चेहरे नहीं है? देखिए पिछले मैं ए डे बिफोर यस्टरडे आई वाज ऑन द सेम टॉपिक, तो वहां आपके आप ऐसी चैनल पे ये बातचीत हो रही थी कि मुंडे साहब के बाद, प्रमोद महाजन के बाद में लैक ऑफ लीडरशिप महाराष्ट्र में है, और इवन हरियाणा में तो बता ही नहीं पा रहे कि वहां लीडर्स कौन है। चलिए आपने जिनका नाम लिया वो प्रताप रूड़ी साहब पुराने लीडर्स हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी कहीं भी, अब आज ये बात आपके चैनल से आई है कि अब लोग उनके कैबिनेट के लोग कुछ लोग जा रहे हैं, नहीं तो आज से पहले मैंने किसी चैनल पे भी, हर एक चैनल पे यही चर्चा है कि खाली मोदी जी जा रहे हैं। हमें कोई गुरेज नहीं, हमें क्या गुरेज हो सकता है, वो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, हाँ पार्टी से बड़े हैं, हो सकता है पार्टी ये सोच रही हो कि पार्टी के दूसरे लोगों की जरूरत नहीं है और मोदी जी सब कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम वहां आएगी जब ये लोग सरकार बनाएंगे या सरकार में अपोजिशन में रहेंगे, तो वहां अपने लीडर्स क्या देंगे, क्योंकि इनके पास लीडर्स ही नहीं है। तो अभी भी वही गुमराह करने वाला, धोखे देने वाला, झूठ बोलने वाला काम चल रहा है पहले। अगर बीजेपी को ये लग रहा है कि उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन हम नहीं कर पाए बिना मोदी के, और उनका चेहरा आगे कर दिया गया है, तो ये लैक ऑफ लीडरशिप की सिचुएशन कहां से आ जाती है? जाहिर है पीछे विधायक खड़े हैं, उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, और अगर 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 यहां पर दुष्यंत जी ये कह रहे हैं, नहीं एक मिनट, अगर दुष्यंत जी ये कह रहे हैं कि उम्मीदवार, जो मैं कहना चाहता हूं विधायक का मतलब उम्मीदवार, उम्मीदवार कहना चाहता हूं मैं, उम्मीदवार जो है उनके विधायकों के लिए, सवाल यह है कि अगर पीछे जो एक लीडरशिप या एक चेंज जो पीछे खड़ी हुई है, ऊपर सरकार नहीं बनाई जाती, तो कोई ना कोई लीडरशिप आगे आएगी, उसमें घोषित हो या अघोषित हो, सिचुएशन तो विधायक बनेंगे, जाहिर है कांग्रेस की तरफ यही थी लोकसभा चुनाव में, यही सिचुएशन थी। और अगर आउटसोर्स करेंगे तो रमेश जी, एक मिनट आ रहा हूं मैं आपके पास, रमेश जी आपसे पूछ रहा हूं मैं, सुमित जी बड़ा देख के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, मेरी चिंता कहीं और है कि कहीं देश में लोकतंत्र को खतरा है, दलीय लोकतंत्र को खतरा है। याद है डीके बरुआ जी ने एक जमाने में कहा था इंदिरा इंडिया और इंडिया ही इंदिरा, अभी सेम हालत हो रही है, मोदी बीजेपी, बीजेपी ही मोदी, कोई दिख नहीं रहा है, और दल के अंदर से आंतरिक लोकतंत्र खत्म, जिसकी बीजेपी आलोचना करती थी व्यक्तिवाद के खिलाफ है, आज वही व्यक्तिवाद का इस्तेमाल कर रही है, परिवारवाद के खिलाफ उसी परिवार के सहारे चलने की कोशिश कर रही है, पंकजा मुंडे जो आप बात कर रहे हैं, तो जिन जिन चीज का आलोचना कर रहे हैं कांग्रेस से, जो कांग्रेस खर्च के जिसके लिए आपने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया था, आप उसी तरफ तेजी से बढ़ते चले जा रहे, कुछ डर है कहीं आपका हासिल वही हो जाए जो कांग्रेस का हुआ है पीछे, तो आपके वहीं जा रहे हैं आप। अच्छा दूसरी बात, जो मोदी जी की बात आपने की, अभी हमारे साथी सुरेश जी ने एक बात कहा था कि ये सारे अयास, सारे विश्लेषण, सारे सर्वे, सारे बेकार हो जाएंगे। अजी साहब आप पत्रकार हैं, हम भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, हमारा काम ही सर्वे करना और ऑब्जर्व करना है, हम कहां तक सही होंगे हमारी गारंटी नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं। सारे चैनल कह रहे थे कि मोदी जी की लहर है, मैं कहा लहर नहीं है साहब, बढ़त है, मैं भी तब भी कहा आप चैनल बढ़त है, और जब लहर होता है तो 350-400 सीट छूता है, ये बढ़त है तो 272-282 हो गए हैं, इसको लहर कहां हो गई थी, मुझे ज्यादा समझाएं आप, तब भी कह रहा हूं। अच्छा अभी भी जो आप कह रहे हैं, मैंने अभी आपको पहले राउंड में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा की बात नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी विश्वसनीयता खोती चली जा रही है, क्यों आप जनहित कांग्रेस से भी तोड़ लिए, शिवसेना से, या कि ये अहंकार है, या दूरंदाजी का भाव है, या मोदी जी का गुमान है, कहां कैसे हो, क्यों ऐसा कर रहे हैं, और दोस्ती टूटने के बाद क्या होता है, हर्ष आपने बिहार में देख लिया उपचुनाव में,
तो अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि हारते ही जा रहे हैं, अब हारते के डूबते के नैया का सहारा लेके मोदी जी को आप कहां ले गए हैं, स्टेट इलेक्शन में, जहां की अब कहां जाएंगे ये। ठीक, उपचुनाव की जो परिस्थितियां हैं वो सामने आई बीजेपी के। जी सुधीर जी, देखिए हमारा मानना है कि एनालिसिस हम लोग करें और जो बेसिस है उसी पर आप कर सकते हैं, लेकिन एक कैवियट भी रख दीजिए कि ये क्राउड जो इस तरह से सी समुद्र की तरह जो क्राउड इनको सुनने आ रहा है, अगर ये वोट में ट्रांसलेट हो गया तो हो सकता है कि एक और वेव पैदा आपको दिखे सीट्स में भी जो लोकसभा में दिखा। इसको भी बोलिए, मैं ये बोलता हूं, ये मत बोलिए कि चूंकि चूंकि हरियाणा में 22% जाट है, वो जाट जो है जाट कैंडिडेट ही चाहेगा मुख्यमंत्री, बीजेपी के पास जाट लीडर, ये सब एनालिसिस नहीं चलेगा। एक पत्रकार नहीं कह सकता, ये विद्वान नहीं कह सकता, ही सच बोल सकता है। भीड़, मैं पत्रकार हूं इसलिए सच बोल रहा हूं, भीड़ जो है वोट नहीं हूं, भीड़ वोट तंत्र बदलाव नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सोशल मीडिया में देखता हूं जिस तरह का कैंपेन हो रहा है सोशल मीडिया में, इंडिविजुअल लेवल में आप विश्वास नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि शिवसेना ने मोदी जी पर अटैक कर दिया, अरे जितना आप अटैक करेंगे उतना वो गेन करेंगे, ये दिखता रहा है। देखिए साहब, और मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। देखिए केशुभाई पटेल थे गुजरात में, आपको पता होगा पटेल उसी तरह डोमिनेंट कम्युनिटी था, आपको पता है वहां क्या हुआ। क्योंकि मोदी को डिक्टेटर मत बोलिए, मोदी आपके जो अंदर की इच्छाएं हैं उसका आर्टिकुलेशन कर रहा है। अगर डिक्टेटर आप बोलेंगे तो जस्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बात है कोई प्रधानमंत्री इतना पॉपुलर हो लोग उसको सुनने आ रहे हैं और कोई पार्टी उसको अपना कैंपेनर ही ना बनाए, आप अपने बेस्ट फुट को फॉरवर्ड रखेंगे ना। जैसे आपका बेस्ट एंकर प्राइम टाइम एंकरिंग करता है, आपका बेस्ट स्पोक्स पर्सन जाता है, उसी तरह जो बेस्ट कैंपेनर होगा पार्टी का वही जाएगा। नहीं, अगर विरोधी ये कह नहीं सुधीर जी, अगर विरोधी ये कहते हैं कि मोदी ने पीछे की जो सेकंड लाइन है वो क्रिएट नहीं की है, तो इसमें क्या गलत है? अगर यहां पर दूसरी सवाल ये उठाते हैं कि एक सेकंड लाइन क्रिएट नहीं की जा रही है, नेतृत्व का अभाव है, और खुद मोदी कहते हैं कि अगर गोपीनाथ मुंडे होते तो मुझे आने की जरूरत नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो उस लाइन पर जो सेकंड लाइन पीछे क्रिएट हो रही है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देखिए जो मोदी के विरोधी हैं उन्हें तो खुश होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कांग्रेस हरियाणा में इशू नहीं बन रहा है नन परफॉर्मेंस के बाद, करप्शन के बाद, अब मोदी इशू बन रहा है, तो इनको तो खुश होना चाहिए कि इनका एजेंडा कामयाब हो रहा है। मोदी ही इशू क्यों बन रहा है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्या है वो बीजेपी का इंटरनल प्रॉब्लम, वो रिजॉल्व करेगी। वो डेमोक्रेसी है कि नहीं ये बात सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पार्टी डेमोक्रेसी है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग कैसे होते हैं वो इशू हो सकता है। तो आप किससे कंपेयर करेंगे? आप क्या समाजवादी पार्टी से करेंगे जो वन मैन पार्टी है? आप क्या कांग्रेस से करेंगे जहां सोनिया छोड़े कोई है नहीं? किससे आप करेंगे? आप किसी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही करेंगे ना? कौन डेमोक्रेटिक पार्टी है? वही सिचुएशन आप लोग भी तो बीजेपी के अंदर भी क्रिएट हो रही है। बीजेपी को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं, मैंने इसलिए करेक्ट किया, मोदी जी की बात कर रहा हूँ, मोदी जी की बात, बिल्कुल बिल्कुल वो ठीक है, बिल्कुल मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मुझे एक बात कहने दें। मोदी जी आज क्या है जब हम बात करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जरा एक बात कहना चाहूंगा, मुझे खत्म करने दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए। जब आप तो पार्टी के आदमी है, नहीं पार्टी के आदमी है, आपकी मुझे दो तीन बातों पर ऑब्जेक्शन है। उन शब्दों को वापस लीजिएगा, पार्टी के लोग झूठ बोल सकते हैं या झूठ बोलते हैं पार्टी जो आप बोल रहे हैं। मैंने कब बोला? आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल, कब मैंने बोला झूठ बोल रहे हैं? आप एक और सुनिए, आप जो ये कह रहे हैं अगर क्राउड यू कन्वर्ट हुआ तो, और अगर क्राउड कन्वर्ट नहीं हुआ तो आपकी सोनिया में कन्वर्ट करने। अच्छा दूसरा मोदी बेस, बेस की बात नहीं करिए ना, बेस की बात करिए, मैं आपकी बात को कह रहा हूँ। आप एक काम करिए, आप कहते हैं अगर क्राउड कन्वर्ट हुआ तो, और नहीं तो यही बोले, नहीं हुआ तो यही बोलेंगे ना, तो ये कोई बात थोड़ी है, तो छोटे बच्चे वाली बात आप कर रहे हैं भैया। आप ऐसा है उसको आने दीजिए, डेमोक्रेसी में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। स्टेट में एक और बात, आप एक तीसरी बात एक और गलत बोल रहे थे चैनल के ऊपर ही, आप ऑन एयर बोल रहे हैं। आप एक काम करने, हम ही करेंगे डिसाइड, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे कि आपको लगता है हम ही करेंगे, देश को हम ही लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आप क्या करते हैं? आप लोग तो दो मिनट बेहतर बोलेंगे, दो मिनट बेहतर। आप छोड़िए, आप करिए, आप अपना सुधारिए, आप थोड़ा माइंड ऑफ योर लैंग्वेज, तो आप गलत नहीं किए ना, आप बेड़ा गलत, आप छोड़ के सारा आपने राज किया है चैनल के ऊपर, गलत पहली बार लोग चर्चा बनाए थे, चर्चा बनी, चर्चा बना, आपसे पूरा देश नहीं चलता है। ठीक ठीक ठीक, आपने पार्टी की बात नहीं करना, आप न्यूट्रल बात करिए, मुद्दे पार्टी की विशेष बात नहीं करना। एक और बात मैं आपको बताता हूं कि ऐसा है, लीडर्स का सेक्रीफाइस होता है देश के लिए, वो पूरा जीवन लगा के आते हैं, आप चाहे वो किसी पार्टी के लीडर्स हो, आप एक दिन में कोई एक लीडर नहीं बनता है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैंने आपसे जरा सी एक बात कही, उसका तो कहीं कोई जवाब नहीं आया।
आप ये बताइए, क्या हर एक का राइट है जानने के लिए कि स्टेट में, जैसे कि उत्तर प्रदेश ही है, चाहे उसमें मुलायम सिंह किसी पार्टी से कंसर्न रखते हैं या किसी भी पार्टी के हैं या कैसे भी हैं, मायावती हैं, हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, दूसरी और भी पार्टी है, वहां 6 दल और हैं, तो हर एक के लीडर सामने हैं, फ्रंट पे हैं, मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस अगर आई तो कौन 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 लोग बन सकते हैं, 2-4-6 नाम आते हैं अभी ऐसी, इस तरह दिल्ली में भी है, बीजेपी के लीडर्स भी हैं, कांग्रेस के लीडर्स भी हैं, लेकिन मैं आपसे एक सम्मान, मैंने आपसे बात मालूम की, पूछना चाहा कि भाई आप ये बताएं कि बीजेपी पार्टी के पास में हरियाणा में कौन ऐसे लीडर्स हैं, 4-6 लीडर्स कुछ तो दिखाएं। वो तो ठीक है, वो तो 90 के 90 एमएलए लड़ेंगे तो सारे लीडर थोड़े नहीं है, वो थोड़ी रिप्रेजेंट करेंगे उसको। अच्छा, उसी तरह महाराष्ट्र में भी वो बात है, और जहां तक लीडर्स के क्रेडिबिलिटी की बात है, लीडर्स ने देश को बिल्ड किया है, उसमें खाली एक की बात अगर आप करें, इनके कह देने से कांग्रेस पार्टी एक आदमी की पार्टी नहीं हो जाती है, उस अगर वो आप उस परिवार की भी बात करते हैं तो उस परिवार का हर पीढ़ी में सैक्रिफाइस है। पंडित नेहरू से आप ले लीजिए, आप लोग कम से कम कोई कमेंट करने से पहले कम से कम सोचें, और जो जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कम से कम आप ये बताइए तो उनका क्या सैक्रिफाइस है। इन्होंने मेरी बात नहीं करी, मैं बोलूंगा इनकी बात का जवाब। पहले मैं ये बता दूं, मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बता दूं, मैंने नरेंद्र मोदी को स्टडी किया है, उनके ऊपर किताब लिखी है, और मेरी क्रेडिबिलिटी जो है आपसे ज्यादा है। ये तो जिसने किताब लिखी है, सुनिए, मेरे ऊपर आप डिबेट करिएगा बाद में, पहले आप सुनिए जो इशू आप बताएं, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला, आज देश भाई भतीजावाद के खिलाफ है, अब एक पार्टी बता दीजिए जो भाई भतीजावाद नहीं कर रहा है। आज अगर मोदी खड़े हैं, उनको समर्थन मिल रहा है तो इसलिए मिल रहा है कि उनका कोई भाई भतीजावाद आज तक सिद्ध नहीं हुआ है। अगर उन्होंने गवर्नेंस किया है इसके बेसिस पर वो ले रहे हैं, पूरा देश उठ रहा है, और इस चीज को आप नकार नहीं सकते। और आप जब बात करते हैं डिक्टेटरशिप की या पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, तो आप जाके बाकी पार्टियों में झांक के देखिए। मुझे नहीं लगता, अगर नरेंद्र मोदी कैंपेनर है, क्यों प्रॉब्लम होगा शिवसेना को, क्यों प्रॉब्लम होगा दूसरी पार्टी को, आप अपने एजेंडा की बात करिए ना। एक बहुत सीरियस आपत्ति है, एक वर्ड में अभी जो रमेश जी को बोलना चाहिए, एक मिनट बात पे मैं बोलना चाहूंगा, एक मिनट रमेश जी को बोलना चाहिए, एक मिनट जी रमेश। मैं सुरेश वर्मा जी से एक बड़ा व्यक्तिगत तौर पे आग्रह करना चाहूंगा कि वो एक लेखक हैं, पत्रकार भी हैं, और हम यहाँ किसी दल के लिए बात करने नहीं आए हैं। मैं कौन सा दल की बात कर रहा हूं? से बात करें, और हम देश की चिंता करें, दल की और दल के नेता की चिंता ना करें। मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि एक पत्रकार की जैसे बात की, मैं दल की चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की चिंता कर रहा हूँ। आज देश में मुझे लगता है, आप तो मुझे लगता है चिंता कर रहे हैं, मोदी से बढ़िया कोई नेता नहीं है। देखिए, अभी अपने आप को सिद्ध किया, कोई पत्रकार कहेगा, पत्रकार कहेगा, पत्रकार सही बात बोलेगा ना, फिर पत्रकार का कोई पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, पत्रकार तो सही बात बोलेगा, फिर तो राजनीति देखा है, फिर इससे राजनीति कहने के मुझे कहां से राजनीति आ गई। मैं कोई बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, नहीं, एक आदमी जिसने एक व्यक्ति जो है, नहीं, उस आदमी की बात कर रहा हूं। ये बताइए, जो आदमी, अब मैं आप पे आ रहूंगा, जो व्यक्ति देश में दंगा कराता हो, जो व्यक्ति देश में मैं महिलाओं की जासूसी करवाता हो, जो जासूस को आप उठाई तो बात, नहीं, आप दल, आप सरासर गलत बोल रहे हैं। दंगा किसने कराया, कहीं प्रूव नहीं हुआ, आपके मिथ है, कोर्ट में है, कोर्ट में नहीं प्रूव हुआ, विसा बैन कर दिया, कोर्ट में नहीं प्रूव हुआ। आप किसकी बात कर रहे हैं, जहां जज ने लेने से मना कर दिया, कमीशन का चेयरमैन, वहां आप बोल रहे हैं कि उन्होंने सिपाही की, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करी, झूठ पर झूठ लगा रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी ने क्या किया पता है आपको, आपको ज्यादा जानकारी, आपको कुछ पता है एसआईटी ने क्या किया, पूरा क्लीन चिट दिया है, कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन को, बहुत बढ़िया पत्रकार है, क्या बात करते हैं, मैं फैक्ट से बात कर रहा हूं, आप मोदी कार है, पत्रकार नहीं हो, मैं फैक्ट से बात कर रहा हूं, मोदी कार है, पत्रकार, आपकी बात माने तो सही है, आप मोदी कार है, कमाल है, आप मोदी कार है, आपकी बात माने तो सही है, आपकी बात माने पर्सनल पर्सन टॉप से, एक आप दल की बात माने तो विद्वान हो जाएंगे, देश की चिंता, रमेश जी आप मोदी जी की बात करिए फैक्ट्स पर, रमेश जी अपनी अपनी बात रखिए, पर्सनल टॉप से, ठीक है, उन्होंने कह रहे हैं कोई बात नहीं, कोई बात एक नहीं, अपनी बात रख सकते हैं, नहीं रखने का मौका हम दे रहे हैं, मैं क्या दूसरे जी को दीजिए, दूसरे जी अपनी बात करिए, एक मिनट दूसरे जी को सुन लेते हैं, हम लोग मैं हमारा काम किसी पार्टी आपके माध्यम से एक बात कहूंगा कि अगर मान लो जो जो भी बात जो चर्चा है उस चर्चा में अगर ये बात सत्य नहीं है कि माया कोडनानी जेल में नहीं है या 2002 के दंगों के लिए जो आज प्रधानमंत्री हैं वो जिम्मेदार नहीं रहे हैं या उनके दल के लोग जिम्मेदार उनके साथी जिम्मेदार नहीं रहे हैं और अगर
जो गोधा कांड हुआ है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं रहे हैं, अगर सारी बातें गलत हैं तो फिर ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो वो निष्पक्ष है। जवाब लोकसभा चुनाव में मिल गया ना? नहीं नहीं मिला ना, नहीं लोकसभा चुनाव में सवाल तो आज उठा बीजेपी को या प्रधानमंत्री को बहुमत मिल गया, वो दो जगह से चुनाव लड़ते हैं, उन्हें बहुमत मिल जाता है, वो जीत जाते हैं। चलिए अगर वो सामुदायिक ना हो, चलिए ठीक, नहीं दिशा जी वापस आऊंगा, एक मिनट, एक कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास, ठीक नहीं बातें हैं, और इन सब बातों के लिए ये जरूरी नहीं है कि कुछ भी कोई भी लोग या कोई व्यक्ति का मान लो एप्रिशिएट करते हैं तो उनसे ही थोड़ी सबका करेक्टर लिखा जाएगा। चलिए ठीक ठीक कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास, वो सुन लेते हैं। और क्या क्या कहा था भारतीय जनता पार्टी ने? कमजोर सरकार है, दिल्ली में बैठी है, हमारे को सत्ता में ले आओ, अगर पाकिस्तान कभी हमारी तब आंख उठा के भी देख ले, एक शहीद के बदले में दो हम वो लेके आएंगे। भाई क्या हो रहा है, 100 दिन से ज्यादा हो गए और 100 बार से ज्यादा हमला पाकिस्तान कर चुका है, आज भी कल रात को 5 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, आज क्यों ये मूक दर्शक बने बैठे? लोकसभा के समय मोदी जी ने भाषण किए, भाषण में कहते थे देखिए अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं चीन को सबक सिखाऊंगा, मैं पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा, और हुआ क्या, प्रधानमंत्री बने, चीन के राष्ट्रपति आए, और पहली बार इतिहास में हुआ है कि एक देश का राष्ट्रपति हमारे देश में आया, मीटिंग करने आया, और अपने साथ वो अपनी सेना को लेकर हमारे देश के अंदर ले आया। लद्दाख में चीन के सिपाही, चीन की सेना अंदर घुस पड़ी और यहां झूला झूला जा रहा था मोदी साहब के साथ, चीन के राष्ट्रपति का। दुष्यंत जी, अब तक केंद्र और विधानसभा चुनाव के मुद्दे या राज्य के मुद्दे या उपचुनाव के मुद्दे अलग रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री पर इस तरीके का अटैक करके या इस तरीके की बातें करके, तो अब आप लोग क्या सिद्ध कर रहे हैं? कहीं ना कहीं डर तो है ही ना, अगर यह कहा जा रहा है कि मोदी क्यों आ रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के अंदर। नहीं सुमित जी, थोड़ा जो हमारी डायरेक्शन है ना, थोड़ा जो इसको एनालाइजेशन है वो थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा है। एक्चुअल जो वादे किए थे पार्लियामेंट इलेक्शंस में, ठीक है, अब उसका टाइम आ गया है जिसके लिए मोदी जी महाराष्ट्र में बोल रहे थे कि हमसे 60 दिन में हमसे हिसाब मांगते हैं। ठीक, अभी परसों में आधे घंटे का भाषण आपके यहाँ सुन के गया हूँ इसी चैनल पे, तो उस टाइम ये बात आई थी कि भाई मुझे 60 दिन में 60 साल का हिसाब मांगते हैं। अरे ये जनता है भैया, ये एक दिन का जो पब्लिक का आदमी होता है उसका अपना कुछ नहीं होता है, वो 2 मिनट बाद आपसे हिसाब मांग लेगी कि आप गलत तरीके से खड़े हुए थे, आपको खड़ा होना नहीं आता है, और वो उसी तरह सबक भी देगी जिस तरह मान लीजिए आप ये मान लीजिए, क्योंकि अपोजिशन वाले बैठे हैं तो वो ये कह सकते हैं कि हमें मिला, हमसे कुछ गलत हुआ या हमसे कुछ भूल हुई या कोई बात हुई, वैसे हम उसको नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि इन्होंने गुमराह किया और ऐसे स्वप्न दिखाए जिन्हें ये पूरा नहीं कर सकते थे, और उसी का सवाल आज ये स्टेट इलेक्शंस में भी आ रहा है। क्योंकि देखिए, 3 बात मैं बार बार आपके यहां से कहूंगा, 20 बार तो मैं कह चुका हूं, भाई चाइना के राष्ट्रपति आए, अभी हमारे माननीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी भी इसी बात को बोल रहे थे कि वहां के राष्ट्रपति आए तो साथ में सेना लेके चले आए, लद्दाख में जाके उन्होंने 17 किलोमीटर भीतर जाके झंडा गाड़ दिया और बैठ गए, 90-100 आदमी पता नहीं 1100 आदमी कितने आदमी बैठे। तो क्या जनता ये नहीं चाहेगी कि कल सीमा पे 7 लोग मारे गए हैं, 35 लोग घायल हुए हैं, और उनके गांव में घर से लोग ट्रॉली में ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के जा रहे हैं, जिसका ये वादा करके आए कि हमने 7 देश बुला लिए हैं, हम पूरी सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, देश को सुरक्षित करेंगे, तो क्या जनता ये पूछ नहीं सकती क्या? और ये इससे सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी का, हमसे हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब ये हिसाब तो मांगेगी जनता नहीं। दूसरा, इन्होंने महंगाई की बात कही, तो महंगाई कहां कम हुई, 100 दिन में महंगाई की बात है, तो उसका भी हिसाब जनता मांगेगी। हाँ, ये ना दें, ये धमकाएं, ये कहें कि हम हिसाब नहीं देंगे या हमसे हिसाब ना मांगे, तो जनता दूसरे तरह से हिसाब देगी, क्योंकि जनता तो हिसाब ले लेती है। और मुद्दे जो हैं, जो मुद्दे, वो अभी ज्यादा देर की बात नहीं है, 4 महीने की बात, 4 महीने पहले जो जो वादे किए अब इलेक्शन में पूछ लिए, अब जो दूसरे स्टेट के इलेक्शन आएंगे अब जो वादे करेंगे उन्हें फिर पूछ लेंगे क्या जी आपने पिछले इलेक्शन में किए, फिर उसके पिछले में किए, और अब फिर आप जो ये बता दीजिए आप ये वादा करके आए थे, बताइए कैसे होगा। ठीक है सुदेश जी, अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास विकल्प नहीं बचे हैं, अगर घूम फिर कर मोदी के अलावा कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसे कहीं प्रोजेक्ट किया जा सके और कहा जा सके कि इनके बल पर महाराष्ट्र में या हरियाणा में या बाकी जो भी राज्य जहां पर चुनाव होने वाले हैं, और खुद बीजेपी के अंदर से भी ऐसे सुर दिखने लगे हैं, खुद वसुंधरा राजे आज सफाई देती हुई नजर आई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं नहीं, मैं मोदी पर कोई टारगेट नहीं कर रही थी। देखिए, मुझे लगता है कि इस चीज को हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब मोदी के चेहरे की बात करते हैं तो मोदी एक हार्ड मांस का पुतला तो है, लेकिन मोदी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अगर मोदी के ऊपर वोट मांगा जा रहा है तो मोदी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, मुख्यमंत्री तो कोई एमएलए में से ही बनना है,
जिसको भेजा जाएगा या वहां से जीतेगा, कोई भी होता। लेकिन आप एक बात बताइए, जो वोट मोदी पर मांगा जा रहा है ये गवर्नेंस पर मांगा जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि इतने सालों में कुछ नहीं हुआ है और पहली बार हमने देखा है कोई प्रधानमंत्री इस तरह से। मैं पूछना चाह रहा हूं, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, अगर यहां पर चौटाला ये कहते हैं कि मैं यहां पर अध्यक्ष हूं और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट कर सकती है INLD, और अगर मोदी को बीजेपी आगे लाती है तो मोदी किस तरीके से सवाल उठा देते हैं कि क्या आप मुख्यमंत्री बनने के लिए या मुख्यमंत्री से मिलने तैयार जाएंगे, और सबको पता है कि चौटाला कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते इन परिस्थितियों की जो उनकी फिलहाल परिस्थितियां हैं। तो अगर बीजेपी उस पर सवाल उठाती है तो जाहिर है उन पर भी सवाल उठेगा। बिल्कुल सवाल उठेंगे, सवाल उठना चाहिए, सवाल उठने में कोई दिक्कत नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है। लेकिन सवाल का जब जवाब मिले तो जवाब को भी सुनना चाहिए। ये एक फैक्ट है कि जो 65% युवा है वो एक डिफरेंट कंट्री चाहता है और देश जिसके हाथ में भी थी। देखिए, बोलने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा इशू हम करप्शन इंडेक्स में सबसे नीचे पर है, इसको कौन ठीक करेगा? गवर्नेंस की बात है, कब गवर्नेंस आएगा? बात इसकी हो रही है। तो मोदी जब वोट मांगते हैं कि हमें तुम जिताओ, ठीक है, पर मुझे कमेंट लेना दूषण जी, छोटा सा कमेंट चाहता हूं। खाली एक बात और कहूंगा, मुझे आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से ही सवाल कर देता हूं कि क्या गवर्नेंस खाली मोदी दे सकते हैं? कोई और गवर्नेंस नहीं दे सकता? क्या यूथ का जो सवाल है, क्या श्री राजीव गांधी जी ने IT फील्ड नहीं दिया क्या, जिसमें 3.5 करोड़ नौजवान देश में और दुनिया में आज IT फील्ड में छाया हुआ है? नहीं, सवाल फिर गवर्नेंस का है ना, गवर्नेंस की बात करते हैं, चीजों को कैश क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर गवर्नेंस नहीं दिए तो NDA सरकार ने गवर्नेंस नहीं दिया। डॉक्टर मिश्र, लास्ट कमेंट छोटा सा। देखिए सर, ऐसा नहीं है, 60 साल में इंडिया एक बहुत बड़ा पाप बन गया, पावर, हर तरफ पावर बना है। अब मोदी जी से उम्मीद की जाती है कि एक पावर के नए पादान पर देश को खड़ा करें, और देश को चेहरा नहीं, देश को चमक नहीं, देश को करिश्मा नहीं चाहिए, देश को काम चाहिए। ठीक, जनता अब काम मांगेगी, और मोदी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बातें कही हैं उन बातों कम से कम अब पूरा किया जाए। और ये मोदी वर्सेस आल वाली जो सिचुएशन बन रही है, आखिर क्यों बन रही है, सवाल ये भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वहीं सुदर्शन न्यूज का आज का सवाल है, क्या मोदी ब्रांड से डर रहे हैं बाकी राजनीतिक दल? आप अपने जवाब हाँ या ना में भेज सकते हैं। जवाब के लिए आप SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUD लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें, और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047855 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो कल रात 9 बजे के शो से पहले अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। वहीं सुदर्शन न्यूज का कल का सवाल है, क्या पाकिस्तान जंग चाहता है? और इस सवाल के जवाब में जो प्रतिक्रियाएं हम तक आई हैं उसमें ज्यादातर लोगों का मानना है हाँ, यानी 82% का, और 18% का नहीं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।